चैनल नेहा क्लासेस और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन हमने पूरा डिस्कस किया था, मेरे ख्याल से आप लोगों को सभी को क्लियर हो गया होगा। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। और इसको डिस्कस करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले ये बता दूँ कि फर्टिलाइजेशन की जो खोज है वो स्ट्रासबर्गर ने 1884 में किया था और डबल फर्टिलाइजेशन की खोज नवाज़चीन ने 1898 में फ्रिटेलेरिया और लीलियम जैसे प्लांट में उन्होंने इसे नोट किया था। अब सबसे फर्स्ट हम लोग जब डबल फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब हम क्या समझते हैं, मतलब कि फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज़ होता है, कंबाइन होता है ना। तो उसी पूरे प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट इसमें प्रोसेस आता है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। हमने पॉलिनेशन के बारे में देख लिया था, पॉलिनेशन होगा तभी वो फ्लावर के फीमेल पार्ट पे स्टिग्मा पे आकर के पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिक होगा। यहाँ डायग्राम में जैसे शो हो रहा है पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आकर के स्टिक हो रहा है। तो सबसे पहले जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आकर के स्टिक होता है तो वहाँ पे कुछ जलीय तत्व को वो अवशोषित करके फूल जाता है और फूलने के बाद जो जर्म पोर होते हैं वहाँ से वो ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन होने पर पॉलन ट्यूब जो है वो ओवरी तक इंटर करता है। तो ये जो पॉलन ट्यूब होता है उसमें सबसे पहले वेजिटेटिव सेल सबसे आगे रहते हैं और उसके बाद जनरेटिव सेल। पॉलन ट्यूब में आने के बाद में जनरेटिव सेल जो होता है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा बढ़ करके वो दो समान आकार के मेल गैमेट में वो बदल जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इंटू ओव्यूल। हमने देख लिया पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अब सेकंड प्रोसेस है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, मतलब ये जो पॉलन ट्यूब है उसका एंट्री ओव्यूल के अंदर एंट्री किस तरह से होगा। तो जो पॉलन ट्यूब होता है उसके ओव्यूल में एंटर करने के बेस पे ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे अगर पॉलन ट्यूब माइक्रोपेलर साइड से एंटर करेगा तो हम उसको पोरोगैमी बोलते हैं। अगर ये पॉलन ट्यूब चैलेजल पार्ट की तरफ से एंटर करेगा तब हम उसको चैलेजोगैमी कहेंगे। अगर पॉलन ट्यूब जो है वो इंटेग्यूमेंट की तरफ से एंटर करेगा तब हम उसे मीजोगैमी बोलते हैं। ये तीन टाइप के यहाँ पे इसके एंट्री के टाइप्स हैं, लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स में हम पोरोगैमी टाइप का एंट्री ही पॉलन ट्यूब का देखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न। तो सिनगैमी क्या होता है और ट्रिपल फ्यूज़न क्या होता है, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलन ट्यूब किस तरह से इंटर पॉलन ग्रेन्स किस तरह से जर्मिनेट हुआ, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, एंट्री ओव्यूल में कैसे हुई, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रिपल फ्यूज़न होता है या डबल फर्टिलाइजेशन होता है। सबसे पहले जब ये जो एम्ब्रियो सेक होता है उसमें पॉलन ट्यूब जो है जब इंटर करता है तो हम ये जानते हैं कि जो ओव्यूल है उसमें चैलेंजल पार्ट की तरफ यहाँ एंटीपोडल सेल होते हैं, तीन एंटीपोडल सेल होते हैं, सेंटर में दो पोलर न्यूक्लियाई होती है और माइक्रोपेलर साइड में दो सिनर्जिड और एक एग सेल होता है। तो जब ये पॉलन ट्यूब इंटर करता है तो एंट्री के समय पर एक सिनर्जिड डिस्ट्रॉय हो जाता है और एंट्री होने के बाद एक सिनर्जिड डिस्ट्रॉय हो जाता है। किसी किसी प्लांट में देखने को ये भी मिलता है कि इसके पॉलन ट्यूब के एंट्री होने के समय ही दोनों सिनर्जिड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब ये पॉलन ट्यूब एंटर करता है तो इसका एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल से फ्यूज़ होता है और दूसरा मेल गैमेट जो होता है इस पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ होता है। अभी ये दोनों जो न्यूक्लियाई हैं वो अलग अलग हैं इसलिए हम इसको पोलर न्यूक्लियाई बोल रहे हैं। जब ये दोनों एक ही सेल में आ जाएंगे फ्यूज़ हो जाएंगे तब हम उसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। तो आप लोग सेकेंड डायग्राम में देख सकते हैं कि एक जो एग सेल था उससे एक मेल गैमेट फ्यूज़ हो गया,
ठीक है, तो मेल गैमेट के फ्यूज होने से यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को सिनगैमी बोलेंगे और इससे क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। ठीक है, यही ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन दूसरा मेल गैमेट जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस से फर्टिलाइज होगा, और क्योंकि यहाँ पे तीन न्यूक्लियस हैं इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है, और इससे क्या फॉर्म होता है, एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। तो अभी हम लोग इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पे शॉर्ट में समझते हैं। देखिए, दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, यहाँ एग सेल से मेल गैमेट, एग सेल और मेल गैमेट से फर्टिलाइजेशन हुआ। एग सेल क्या था, हैप्लॉइड था, मेल गैमेट क्या है, हैप्लॉइड है, दोनों को हम एन एन से लिखे, दोनों मिल करके क्या बनाए, जायगोट बनाए, मतलब वो क्या हो गया, डिप्लॉयड हो गया, और इस प्रोसेस को क्या बोले, सिनगैमी बोले। सेकेंड फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस में, सेकेंडरी न्यूक्लियस क्योंकि यहाँ पे दो न्यूक्लियाई जो है वो ऐड है इसलिए ये डिप्लॉयड है। मेल गैमेट जब इसके साथ फ्यूज होता है तो वो हैप्लॉयड है, मतलब डिप्लॉयड और हैप्लॉयड मिल करके क्या बनाएंगे, ट्रिप्लॉयड बनाएंगे। तो ये इन दोनों के मिलने से क्या बन रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो ये क्या बनेगा, ट्रिप्लॉयड, क्योंकि तीन यहाँ पे न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ है इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो ये सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन का कन्फ्यूजन दूर हुआ। अब क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन दो जगह पे हुआ, यहाँ भी हुआ यहाँ भी हुआ, फर्टिलाइजेशन जो है पहला मेल गैमेट पहले एग सेल में पहुँचता है, दूसरा मेल गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई में बाद में पहुँचता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन इसका पहले होता है पोलर न्यूक्लियाई का, इसलिए क्योंकि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, तो वो एग सेल से मेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन से पहले ही इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ है तो इस पूरे प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। तो डेफिनेशन से समझ लेते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है और डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना, ये फर्टिलाइजेशन है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, फ्लावरिंग प्लांट का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जब एक मेल गैमेट जो है पॉलन ग्रेन का वो एग सेल के साथ में फर्टिलाइज हो रहा है और दूसरा मेल गैमेट जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज हो रहा है, तब हम इस दोनों प्रोसेस को एक साथ डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक से हमको जायगोट मिल रहा है, दूसरे से हमको एंडोस्पर्म मिल रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस था डबल फर्टिलाइजेशन का। तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन के पूरे प्रोसेस, ट्रिपल फ्यूजन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं।